हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लजीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली दाना की खट्टी नमकीन, खट्टी मीठी नमकीन। तो ये देखिए, हमने ये 100 ग्राम मूंगफली दाना ले लिए हैं और तो इनको हमने अच्छे से साफ करके एक थाली में निकाल लिया है। तो इसी में हम जो मसाले ऐड करेंगे तो ये देखिए, ये हमने इतना बेसन लिया है, ये बेसन हमने बस आधा कप लिया है। और ये हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं और ये आधा चम्मच हल्दी का है और ये आधा चम्मच और ये हमने आधा चम्मच चाट मसाला डाला है और ये हमने आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है। आज हम इस नमकीन में कुछ अलग डालेंगे, अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि पहले भी हम इस तरीके से नमकीन बना चुके हैं। तो आज हम इसमें टमाटर सॉस डालेंगे। टमाटर सॉस डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर सॉस हम बस सिर्फ एक चम्मच ही डालेंगे। तो ये देखिए इतना सा ही है। और फिर हम इसको अच्छे से इसी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से। और इसमें हम सिर्फ 2 या 3 बूंद पानी की छींटे मारेंगे और बस हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। पहले हमने जो नमकीन बनाई थी उसमें हमने चावल का आटा ऐड किया था और इस बार हमने चावल का आटा कुछ नहीं ऐड किया है। बस हमने इसमें एक ही चीज़ सिर्फ चेंज करी है, वो है टमाटर केचप, और हमने इसमें चावल का आटा नहीं ऐड किया है। इस बार हम खाली बेसन से ही बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे हल्के हल्के हाथों से इसी तरीके से घुमा लेते हैं। इससे ये होता है कि ये अलग अलग दाना जो होता है वो मिक्स हो जाता है और ये अच्छे से जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। और चलिए अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से गोल गोल कर लिया है। इसको हमने हल्के हाथों से इस तरीके से हमने ऐसे ऐसे करके इसको दाने को अलग अलग कर लिया है। और देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमारा तेल गर्म हो गया है और हमने एक दाना उसमें डाल के भी देखा है, वो उठने लगा है। तो ये अब हम कलछी की सहायता से हम इसको कढ़ाई में आराम से ऐड करेंगे। तो ये देखिए, और इनको हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे, क्योंकि ये धीमी आंच पे अच्छे से पक जाते हैं और ये बहुत क्रंची हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम धीमी ही आंच पर पकाएंगे। फुल गैस पे ये जल जाते हैं और अच्छे से ये पकते नहीं। तो इनको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये मूंगफली दाना की नमकीन अच्छे से फ्राई हो गई है और आप इसका कलर देख सकते हैं। इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि पक गए हैं अच्छे से। ये ब्राउन हो गए हैं, इनको हम अब कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ये करारी आवाज़ इसकी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये मूंगफली दाना की नमकीन बनके तैयार है। और हमने मूंगफली दाना की नमकीन बनाने के बाद में चाय भी बना के तैयार कर ली है। तो ये हमारी मलाई वाली चाय है और ये हमारी मूंगफली दाना की नमकीन है। ये मूंगफली दाना की नमकीन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है और ये बहुत खाने में टेस्टी भी लगती है। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।